नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर उपवास रखेंगे। इसके अलावा देश भर में कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी कार्यालय में उपवास पर बैठेंगे। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बादलों की उमड़ घुमड़ के बीच हल्की बारिश ने मौसम सुहावना बना दिया। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा के जिंद, भिवानी, रोहतक, पानीपत, करनाल, मोहाना में गरज और धूल भरी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला रिकॉर्ड किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के असफीला क्षेत्र में चीनी दावे के बाद पैदा हुए तनाव के बीच चीन की घुसपैठ वाली चालबाजियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि चीनी सैनिक लद्दाख में पेंगोंग झील के पास भारतीय सीमा में 6 किलोमीटर अंदर तक घुस आए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पाकिस्तानी डिप्लोमेट को अपनी वांटेड लिस्ट में शामिल किया है और उनकी जानकारी हासिल करने के लिए फोटो जारी की है। NIA ने आमिर जुबेर सिद्दीकी समेत दो अन्य पाकिस्तानी अधिकारियों को इस लिस्ट में शामिल किया है। सीरिया के मिलिट्री एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला किया गया है। सीरियाई मीडिया के मुताबिक करीब 8 मिसाइलें सैन्य एयरपोर्ट पर दागी गई हैं। बताया जा रहा है कि होस में शहर के टर्मिनल 4 एयरफील्ड में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई पड़ी, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान में 1 लाख पश्तूनों ने रविवार को सरकार के खिलाफ विशाल रैली निकाली। वे संघ प्रशासित कबयाली इलाके में युद्ध अपराध मामलों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे। भारत और अमेरिका के बीच लगातार बढ़ रहे सहयोग और दोनों के मधुर होते संबंधों से पाकिस्तान में चिंता गहराने लगी है। पाकिस्तान ने अमेरिका से दक्षिण एशिया में वैसी संतुलित भूमिका निभाने का आग्रह किया है जैसी वह भारत की तरफ अपने झुकाव से पहले निभाता था। ग्लोबल बाजारों से मिले संकेतों से आज भारतीय शेयर बाजार की मिली जुली शुरुआत हुई। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 26.64 अंक यानी 0.08% बढ़कर 33,653 पर और निफ्टी 2.10 अंक यानी 0.02% बढ़कर 10,333.70 पर खुला। ओपनर सुनील नरेन की तूफानी पारी के बाद नीतीश राणा और कप्तान दिनेश कार्तिक के उपयोगी योगदान की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने IPL 2018 के अपने पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराने में सफलता हासिल की। प्रिया प्रकाश वॉरियर के विंग सीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि फिल्म उरु अदार लव के एक सीन में दिखाया गया है कि विंग इस्लाम में हराम है गाने के खिलाफ हैदराबाद की दो पार्टियों ने मामला दर्ज कराया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। जनावन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जनावन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।